राहत इंदौरी का निधन होने के बाद अदब की मंचे दुनिया ने वो नामचीन दस्तखत खो दिया जिनकी शेर व शायरी सुनने के लिए दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते थे। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि एक जमाने में वो पेशेवर तौर पर साइन बोर्ड पेंटर थे। आपको बता दें, राहत इंदौरी के पारिवारिक मित्र सैयद वाहिद अली ने बताया कि करीब 50 साल पहले इंदौर के मालवा मिल इलाके में राहत इंदौरी की पेंटिंग की दुकान थी। उस वक्त वो साइन बोर्ड पेंटिंग के जरिए अपना जीवन व्यतीत करते थे। अली ने बताया कि उर्दू में ऊंची तालीम लेने के बाद इंदौरी एक स्थानीय कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। वो अपना पूरा वक्त शायरी और मंचे काव्य पाठ को देने में लगा देते थे। अपने 70 साल के जीवन में राहत साहब पिछले करीब 4.5 दशक से मुशायरों और मंचों की शान बने हुए थे। वहीं उन्होंने कुछ दिन फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने कुछ दिन फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे, लेकिन बॉलीवुड की रंगीन दुनिया उन्हें रास नहीं आई। कुछ समय बीतने के बाद उनका मन फिल्मी दुनिया से भर गया। वहीं राहत इंदौरी का असली नाम आपको बता दें, राहत इंदौरी का असली नाम राहत कुरैशी था। हालांकि इंदौर में पैदाइश और पलने बढ़ने के कारण उन्होंने अपना नाम इंदौरी चुना था। राहत इंदौरी के पिता एक कपड़ा मिल के मजदूर थे। उनका बचपन संघर्ष के साए में बिता था। अली ने बताया कि राहत साहब की शायरी में उनके संघर्ष की बेहद अहम भूमिका थी। इस संघर्ष ने उनकी शायरी को नए तेवर दिए। हालात से लड़ते हुए शायरी की दुनिया में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहे। वहीं बता दें, राहत इंदौरी की शायरी अलग अलग आंदोलनों के मंच में भी गूंजती रही। संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए उनका मशहूर शेर, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जैसे कोई नारा बन गया था। CAA, NRC और NPR के विरोध में देश भर में हुए धरना प्रदर्शनों से लेकर सोशल मीडिया पर भी इस शेर का खूब इस्तेमाल किया गया। आज भी लोग कई प्रदर्शनों में इस नारे का इस्तेमाल करते हैं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वहीं आपको बता दें, इंदौरी साहब के करीबियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वो दुनिया भर में लगातार मंचीय प्रस्तुतियां दे रहे थे और अपने इन दौरों के कारण गृह नगर में कम ही रह पाते थे। बहरहाल COVID-19 के प्रकोप के कारण वो बीते 4.5 महीनों से उस इंदौर के अपने घर में रहने को मजबूर थे, जो देश में इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। इंदौरी ने अपनी मशहूर गजल बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस गजल का एक शेर 14 मार्च को ट्वीट किया था, जो इस तरह था, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। इंदौरी ने अपने इस ट्वीट के साथ COVID-19 और कोरोना जैसे हैशटैग इस्तेमाल करते हुए ये भी बताया था कि वबा का हिंदी अर्थ महामारी होता है। वहीं आपको बता दें, राहत इंदौरी शायरी और कवि के साथ राजनीति लेकर चलते थे। कई बार ऐसा लगता था कि वो राजनीति के छिपे भेड़िए थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे Next 9 News, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।